Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, हो गया है WWE का Elimination Chamber 22 का pay-per-view खत्म और कोई सब results आ गए हैं बाहर और हमको WrestleMania 38 के plans के बारे में guys सब reports पता चल गए। Guys आज की video बहुत interesting होने वाली क्योंकि इसमें इसको guys इसमें तो guys मैं आपको पहले बात करूँ results तो बोलने वाला हूँ Chamber के pay-per-view के, लेकिन guys plus guys मैं आपको हर एक matches के WrestleMania 38 से क्या डेट होते guys वो भी मैं आपको reports बोलने वाला हूँ। आज की video आपको WrestleMania 38 के plans भी बताएगी और Elimination चेंबर के सब रिजल्ट्स भी। सो गाइस पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप WWE का चेंबर का पेपर के रिजल्ट्स जानने चाहते हो और आपको डेट के भी प्लान्स भी जानने और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। गाइस पहले ही हमको किकऑफ शो में मैच दिखता है बिटवीन द ए लिस्टर मिज वर्सेस द्रे मिस्टीरियो विद डोमिनिक मिस्टीरियो। गाइस मिज ने गाइस ये मैच के पहले बोला था कि गाइस मेरे पास एक अच्छा टैग टीम पार्टनर होगा। गाइस कुछ नहीं गाइस ये मैच में क्या होता है गाइस द्रे मिस्टीरियो ने द मिज को हरा दिया 619 से और वो ये मैच जीत ले। लेकिन मैच को गाइस मिज ने थोड़ा हिंट किया है कि वो एक टैग टीम पार्टनर लेके आने वाले हैं द्रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट। सो गाइस अकॉर्डिंग टू बैकस्टेज रिपोर्ट्स गाइस WWE प्लान है एक टैग टीम मैच WrestleMania 38 में जिसमें होगा गाइस एक साइड में रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो और दूसरे साइड में गाइस द मिज और गाइस लोगन पॉल। गाइस आप जानते हो लोगन पॉल गाइस वो ही बंदा जिन्होंने लास्ट ईयर सैमी जेन और केविन ओवेंस के फ्यूड में इंटरफेयर किया था। गाइस WWE प्लान कर रही है मिज एंड लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। गाइस लोगन पॉल एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी है और उनका ये मैच में आया गाइस ये मैच को और ही बड़ा ट्विस्ट देता है। फिर गाइस बात करते हैं शो के पहले ही मैच के बारे में गाइस जो ही था गाइस सबसे बड़ा मैच शो पे WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए बिटवीन चैंपियन रोमन रेंस वर्सेस द WWE हॉल ऑफ फेमर बिल गोल्डबर्ग। गाइस मैच अच्छा खासा स्टार्ट हुआ दोनों सुपरस्टार ने गाइस एक दूसरे के कंधे पकड़े। गाइस एंडिंग में क्या होता है गाइस जो रोमन रेंस है गाइस तभी गाइस जो गोल्डबर्ग है गाइस वो रोमन रेंस के ऊपर जैक हैमर लगा देते हैं एक दो स्पीयर के बाद। गाइस रोमन रेंस ने उसका उल्टा किया और उन्होंने लगाया गोल्डबर्ग को एक जो सबमिशन मूव है DNT गाइस उन्होंने वो लगा लिया गोल्डबर्ग के ऊपर। फिर गाइस गोल्डबर्ग गाइस वो सब रोप्स के यहां पे जाते हैं रोमन रेंस को पटकते हैं। लेकिन गाइस क्या देखते हैं हम लोग गाइस रोमन रेंस गाइस हिलते ही नहीं है। गाइस गोल्डबर्ग ने 3 से लेकर 4 बार गाइस रिंग के कोने में रोमन रेंस को पटका DNT का तभी गाइस रोमन रेंस गाइस हमारे वो उठे ही नहीं। फिर गाइस क्या करते हैं हमारे बेचारे गोल्डबर्ग गाइस वो रिंग के बीचों बीच फेंट हो गए यानी गाइस वो थक गए वो बेहोश हो गए। गाइस रेफरी ने ये चीज देखी गाइस उन्होंने ऑन स्पॉट मैच स्टॉप किया एंड गाइस हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ने गाइस गोल्डबर्ग को हरा दिया और उन्होंने उनकी चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। गाइस WWE का गाइस गोल्डबर्ग के लिए कोई फ्यूचर प्लान्स है नहीं इसलिए गाइस ये मैच में जो रोमन है उनको एक टकरा वाला विन दिया। गाइस बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि था गाइस वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच जहां पे गाइस जो भी ये मैच जीता गाइस वो WrestleMania 38 में बैकी लिंच को फेस करता फॉर WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। गाइस एज यूजुअल गाइस जो वुमेन्स मैच गाइस वो भी आजकल हमको बहुत अच्छे खेलते गाइस ये मैच तो अच्छा था नो डाउट गाइस। गाइस एंडिंग में क्या होता है बियांका बेलर और रिया रिपली गाइस जो कि सबसे स्ट्रांगेस्ट अपोनेंट्स रहते हैं गाइस मैच के वो ही बचे हुए रहते हैं। गाइस दोनों सुपरस्टार्स बहुत मेहनत करते हैं गाइस क्राउड भी गाइस बहुत ही पागल हो गया मैच गाइस बहुत और वो जीत गई मैच और वो अभी WrestleMania 38 के मेन इवेंट में फेस करेगी बैकी लिंच को फॉर द WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। फिर गाइस बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में गाइस जो कि था बिटवीन ड्रू मैकइंटायर एंड मैडकैप मॉस। गाइस पर्सनली गाइस मेरा ये मैच से कोई ज्यादा होप था लेकिन गाइस ये मैच पहले से गाइस कितना फीका फीका है। गाइस ड्रू मैकइंटायर जैसे बड़ा स्टार इतने बड़े पीपल में गाइस मैडकैप मॉस जैसे स्टार को फेस कर रहा है गाइस कुछ नहीं गाइस ये मैच लेकिन गाइस ये मैच ने गाइस बहुत ही ज्यादा वाला डिलीवर किया गाइस जो फॉल्स करने को सिचुएशन गाइस उन्हें डिलीवर किया गाइस रिंग के यहां पे पटक पटक के एक दूसरे को मारे गाइस दोनों ही सुपरस्टार अच्छा डिलीवर किया ये मैच में। गाइस एंडिंग में क्या होता है गाइस ड्रू वो उनकी स्पॉट निकालते हैं बाहर क्योंकि जो बैरन कॉर्बिन है गाइस वो ड्रू मैकइंटायर को गाइस ज्यादा ही परेशान कर गाइस। सो मैकइंटायर मोस्ट ऑफ बैरन कॉर्बिन है गाइस वो ड्रू मैकइंटायर को 2-on-1 कर दिया। ड्रू मैकइंटायर ने उनकी स्पॉट निकाली और उन्होंने बैरन कॉर्बिन को भगा दिया और फिर गाइस क्या होता है गाइस ड्रू मैकइंटायर ने लगा क्लेमोर एंड 1-2-3 गाइस ड्रू मैकइंटायर ने मैकइंटायर मोस को हरा दिया।
बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में जो था फॉर WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, जहाँ पे गाइस जो बेकी लिंच है गाइस वो डिफेंड कर रही थी उनकी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप अगेंस्ट WWE हॉल ऑफ फेमर लीटा। कि सबको पता था कि मैच में बेकी लिंच की जीत जाएगी, लेकिन एंडिंग में क्या होता है गाइस, ये गाइस जो लीटा है गाइस वो लगाना चाहती है उनका फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट, लेकिन बेकी लिंच ने उल्टा करके उनका ही फिनिशर लगाया मैच फिनिशर, क्या बोलते हैं वो मैच स्लैम। और फिर क्या होता है गाइस, बेकी लिंच ने किया 1-2-3 पिन और बेकी लिंच ने हरा दिया है लीटा को और उन्होंने उनकी WWE रॉ वुमेन चैंपियनशिप रिटेन कर दी। गाइस मैच का जो लीटा है जो बहुत ही इमोशनल हो रही है, क्योंकि शायद से ये लगता है ऐसे देख के लगता है कि ये उनका लास्ट मैच है WWE के करियर में, उनके प्रो रेसलिंग के हिस्ट्री में, क्योंकि लीटा को ऐसे देख के लग ही रहा था कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया अभी, बिकॉज लीटा का पूरे क्राउड के साथ सेलिब्रेट कर रही थी मैच के बाद और बहुत ही इमोशनल रो रही थी। शायद से पॉसिबली ये लीटा का लास्ट मैच हो सकता है प्रो रेसलिंग के करियर में। गाइस बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में गाइस, जो कि था बिटवीन द उसोस एंड द वाइकिंग रेडर्स। गाइस मैच कभी स्टार्ट हुआ ही नहीं गाइस, द उसोस पीछे से आते हैं, उन्हें बहुत ही पटक पटक के मारा वाइकिंग रेडर्स को और वो चले जाते हैं। गाइस मैच स्टार्ट हो रहा है, वाइकिंग रेडर्स ने इतना इन्होंने पटक पटक के मारा कि वो रेसल करने के लायक ही नहीं रखे। गाइस ये मैच लगा था WWE रेसल में 38 के लिए सेव कर रहे हैं, इसलिए गाइस उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर के पेपर में इतना एक ऐसा एंगल दिखाया। फिर गाइस बात करते हैं शो के मेन हाईलाइट, शो के मेन इवेंट के बारे में, जो कि था गाइस फॉर अ WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेशन चेंबर मैच, जहाँ पे गाइस 6 WWE सुपरस्टार्स थे जिसमें से एक थे गाइस हमारे WWE चैंपियन बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस एजी स्टाइल्स एंड वर्सेस मैट रिडल। गाइस दोनों का मैच तो अच्छा था, लेकिन गाइस हम पूरे मैच के बारे में बात करते हैं गाइस, मैच के स्टार्टिंग करते हैं सेथ रॉलिंस एंड मैट रिडल। गाइस कुछ नहीं गाइस, ये लोगों ने अच्छे अच्छे खासे मूव रखा है, गाइस क्या होता है मैच के बीच तो सेथ रॉलिंस गाइस वो मैट रिडल को उठा के फेंक देते हैं बॉबी लैशली के ऊपर जो गाइस चेंबर में रुके हुए थे उनके मैच के लिए। यानी गाइस जो सेथ रॉलिंस गाइस वो मैट रिडल को उठाते हैं और जहां पे गाइस बॉबी लैशली खड़े थे चेंबर में गाइस उन्होंने वहां पे ही पटक के मार दिया मैट रिडल को। और इस तभी गाइस जो बॉबी लैशली गाइस उनको कुछ तो एंकल ट्विस्ट होता है, कुछ तो हो जाता है और जो बॉबी लैशली गाइस वो उठ ही नहीं पाता। फिर गाइस क्या होता है गाइस, जितने भी रेफरीज है मेडिकल स्टाफ है गाइस वो सब लोग आते हैं बॉबी लैशली को चेक करने के लिए और गाइस बॉबी लैशली को रिंग से यानी गाइस मैच से ही निकाल देते हैं। गाइस बॉबी लैशली गाइस तभी ही मैच से एग्जिट कर जाता और जो माइकल कॉल है गाइस वो यही बात पर चिल्ला रहे कि गाइस अभी बॉबी लैशली फिर से आने नहीं वाला है, यानी गाइस ये बात फिक्स है कि आज हमको एक न्यू WWE चैंपियन दिखने वाला है। और गाइस फिर क्या होता है गाइस, बाकी सब स्टार्स आ जाते हैं, एजी स्टाइल्स सेथ रॉलिंस मैट रिडल और गाइस एंडिंग में क्या होता है गाइस कि गाइस जो ब्रॉक लेसनर है गाइस उनका चेंबर पॉर खुला है नहीं, गाइस लास्ट में गाइस दो पॉर बचे हुए रहते हैं जो कि रहता है गाइस एक है बॉबी लैशली का और एक है ब्रॉक लेसनर। गाइस बॉबी लैशली तो गाइस पहले ही मैच छोड़ के चले गए। गाइस क्या होता है गाइस, तभी गाइस बॉबी लैशली का पॉर खुलता है। गाइस ये चीज देख के गाइस ब्रॉक लेसनर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि वो क्यों इतना रुकना पड़ रहा है। फिर गाइस क्या होता है गाइस, द बीस्ट इज अनलेश्ड। गाइस ब्रॉक लेसनर सीधा घुसते हैं उनका पॉर तोड़ के, गाइस ब्रॉक लेसनर सीधा बाहर आते हैं रिंग में घुसता है, पहला एफआई उन्होंने लगाया सेथ रॉलिंस को, 1-2-3 सेथ रॉलिंस हो गए एलिमिनेट। उन्होंने लगाया दूसरा FI मैट रिडल को और 1-2-3 गाइस मैट रिडल हो गए हैं एलिमिनेट। फिर गाइस क्या होता है गाइस, दूसरा स्टार आता है एजी स्टाइल्स गाइस, उनका और ब्रॉक गाइस एक तगड़ा वाला है, स्लाइटली थोड़ा सा तगड़ा मुकाबला होता है। फिर गाइस ब्रॉक ने फिर से लगाया एक FI एजी स्टाइल्स को और 1-2-3 गाइस एजी स्टाइल्स हो गए एलिमिनेट। फिर गाइस बचते हैं रिंग में ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉक लेसनर। गाइस ये सीन बहुत ही मजा से देख रहे थे क्योंकि जो ऑस्टिन थ्योरी गाइस वो ब्रॉक लेसनर से भागने को देख रहे थे क्योंकि उनकी बॉडी फटी हुई थी कि अभी ब्रॉक लेसनर उनको पटक पटक मारने वाले। गाइस लेकिन हम क्या देखते हैं गाइस, ब्रॉक ने भी गाइस ऑस्टिन थ्योरी जैसा भाग रहे उनके पीछे पीछे। गाइस ऑस्टिन थ्योरी गाइस वो जो चेंबर का पॉर गाइस वो ऊपर ही चढ़ जाता है और जो ब्रॉक लेसनर है गाइस वो भी चेंबर के पॉर के ऊपर चढ़ जाता है और इस दोनों ही गाइस वो चेंबर के ऊपर खड़े रहते हैं। गाइस जो पॉर है गाइस वो जो चेंबर पॉर था सुपरस्टार रहते हैं गाइस उसके ऊपर ही गाइस दोनों ही ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉक खड़े रहते हैं। हम लोग क्या देखते हैं गाइस, जो ब्रॉक लेसनर है गाइस उन्होंने चेंबर के पॉर जो कि गाइस 12 फीट लंबी है गाइस उन्होंने लगाया एक FI उतने ऊपर से और जो ऑस्टिन थ्योरी गाइस सबको पता था कि अभी ऑस्टिन थ्योरी खत्म हो गया क्योंकि जो ब्रॉक लेसनर गाइस 12 फीट ऊपर से गाइस FI लगाया गाइस जो भी एक बहुत ही डेडली वाला FI था। गाइस देख के बहुत ही शॉक, WWE ने इतना बड़ा एंगल बुक किया गाइस, ब्रॉक लेसनर ने इतना एक डेडली FI लगाया ऊपर से और गाइस फिर क्या होता है गाइस वो नीचे जाते
हैं, ऑस्टिन थ्योरी को रिंग में लाते हैं और 1-2-3 हमारे बीस्ट इंकर्नेट ब्रॉक लेसनर बन गए हैं द न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और ऑन द स्पॉट कंफर्म होगा क्योंकि रसल मेनिया 38 में गाइस ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का चैंपियन वर्सेस चैंपियन टाइटल फॉर टाइटल विनर टेक ऑल मैच दिखने वाले हैं। रसल मेनिया में गाइस अभी ब्रॉक लेसनर रोमन का मैच जो ओरिजिनली यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होने लगा है वो अभी एक WWE चैंपियनशिप वर्सेस रिंग चैंपियनशिप का मैच होने लगा है। गाइस जो भी बनता है मैच जीतता है गाइस वो रसल मेनिया 38 में बनेगा और डबल चैंपियन। और शो आता है ऑफ है यानी गाइस हमको रसल मेनिया 8 के मेन इवेंट में गाइस सबसे बड़ा मैच दिखने वाला है जो कि होगा गाइस एक विनर टेक ऑल मैच जहां पे गाइस दोनों ही WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑनलाइन होने वाला है। और गाइस जो भी बंदा जीतेगा गाइस वो दोनों ही चैंपियनशिप्स घर पे लेके जाएगा। गाइस रसल मेनिया 8 गाइस और भी गबरा हो गया है, देखते हैं सभी इन द कमिंग वीक्स और क्या-क्या चीजें होते हैं। गाइस आप तो बोल सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जैसे जैसे सीजन आने वाला है और सब बड़े-बड़े अपडेट्स गाइस चैनल पे मिलते रहेंगे। और गाइस अगर जर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।